हेलो गाइस, तो कल के बाद सीधा मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ आफ्टरनून को। तो अभी बज गया है 1। मैं नहा कर आई हूँ और अभी लंच बनाने जा रही हूँ। ऐसे ही बहुत लेट हो गया है आज, और वो एक बार आके भी चले गए खाना। आज भूख लग रहा है उनको, खाना नहीं बनाई पूछ के चले गए। तो मैं जा रही हूँ फिश करी बनाने। तो यह है फिश, और इधर लाइट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है गाइस, इसके लिए मैंने मसाला पीस के रख लिया है। तो अब ज़्यादा शायद वीडियो नहीं कर पाऊँगी, ये जल्दी जल्दी हाथ चलाना है मुझे, चावल और फिश करी बनाना है, तो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ मैं। देखिए गैस एकदम 1 बजा है, तो मैं देखती हूँ कि कितना टाइम लगता है मुझे लंच बनाने में। एकदम 1 बजा है, मुझे लग रहा है कि मैं 30 मिनट्स में बना लूँगी, पर फिश बनाना है थोड़ा टाइम तो लगेगा। फिर भी देखती हूँ कितना स्पीड में मैं बनाती हूँ। चलिए बनाने के बाद मिलते हैं। तो गैस इधर हो रहा है फिश फ्राई, एक बार फ्राई भी हो चुका है, और इधर मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है फिश करी बनाने के लिए, और इधर चावल भी बिठा दिए, और इतना बचा है इसको ही फ्राई करूँगी एक बार और तो हो जाएगा। तो हाथ मेरा बहुत फुल स्पीड में चल रहा है गाइस, और मैंने उनको कहा भी कि आप आधे घंटे में आ जाना, बन जाएगा खाना। मैंने कहा ठीक है। गाइस अभी 1:13 हो रहा है, तो 13 मिनट में बहुत कम हो गया मेरा। एक बार फिर फ्राई होने के बाद चावल की एक सीटी मार चुकी, और एक सीटी के बाद भी बंद हो जाएगा। बस नहा करके सिंदूर लगा और फटाफट से मैं खाना बनाने लगी, तो लग रहा है मुझे ठीक हो जाएगा। तो बाकी सबकी तैयारी कर दिया है, शायद हो जाए। तो गाइस देखिए मसाला फ्राई हो गया, और इसमें मैंने पानी डाल दिया है, और अब ये उबल जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी मछली। तब तक मैं कपड़ा सुखा लेती हूँ। नहाने के बाद बाथरूम में कपड़ा ऐसे ही रखा हुआ है, तो इसको मैं सुखा लेती हूँ। मैं कपड़ा सुखाने गई थी अभी, तो आज थोड़ा सा धूप हुआ है। इतना बड़ा सांप देखी हूँ मैं, इतना बड़ा, बहुत मोटा सांप। अभी तक ना एकदम सांस अटक गया, ऐसा लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, और पूरा कॉस्ट्यूम आ गया डर के मारे। मैं कॉल करके इनको बुलाऊँ, अभी बुलाई हूँ, और जाके उधर देखने, पता नहीं ये एक जंगल थोड़ा सा था नाला में, तो उसमें घुस गया। बहुत डर लग रहा है इसमें, बहुत एकदम अभी तक धक धक हो रहा है। गाइस इधर बन गया है मेरा फिश करी, और टाइम दिखाती हूँ आपको, 5 मिनट ज़्यादा हो गया। तो गाइस थोड़ा गंगी वंगी कर लेती हूँ मैं, उसके बाद खाऊंगी खाना। सांप देख के तो बहुत डर लग रहा है, बहुत। ये अलमीरा लिया है कुछ दिन पहले ही, और कुछ दिन पहले मतलब संडे को, और इसमें कपड़ा वगैरह तरा मोरा मैंने रखा है इधर साइड, अभी खाली है तो उसमें भरूंगी बाद में। बहुत टाइम से मुझे लेना भी था, फिर नहीं भी लेना था, क्योंकि है ना रूम देखो आप कितना कंजस्टेड है, बहुत इतना छोटू सा रूम है, तो इसीलिए। और यहाँ पे जो पहले टेबल रहा करता था उसको मैंने इधर रख दिया, तो ये खाली है, क्योंकि कपड़ा वगैरह उधर नीचे है, और डेली यूज का कपड़ा उधर है कुछ, और इधर है, और इधर भी, इधर रखने का भी जगह नहीं, क्योंकि दो दो बक्सा ऑलरेडी है। यूट्यूब का कोई यूट्यूब से नहीं खामा ही पैसा, क्योंकि मैं अभी तक इतना भी क्या ही कहूँ, मतलब YouTube से पैसा कमाने लायक मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। एक दिन ज़रूर मैं भी यूट्यूबर बनूंगी, और YouTube से पक्का पैसा कमाऊंगी, फिर कुछ लूंगी मैं तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और सही में ये तो मेरा एक सपना हो गया मेरा, कि मैं भी YouTube के थ्रू पैसा कमाऊँ, तो देखती हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे हम दोनों मिलके साफ सफाई कर रहे थे गाइस, क्योंकि जैसे बताया मैंने बहुत बारिश हो रही थी संडे को,
बहुत ज़्यादा इसमें गंदा लग गया था और कुछ पेंट का दाग भी लग गया था, तो उसको हटा रहे थे हम लोग। ये मैंने ना इसे नेल रिमूवर से हटाया तो हट गया, और आपको परी कहीं नज़र नहीं आ रही क्योंकि परी घर चली गई है, उसका स्कूल खुल गया है इसलिए उसको जाना पड़ा। और जब वो थी उस दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया उसका जाने का भी, कुछ तो कुछ वीडियो क्लिप है जो मैंने रखा है जो एडिट करना था मुझे ब्लॉग में, तो मैं उसको दिखाऊंगी आपको कि वो एक दिन वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो बना रही थी तो कैसे हम लोग नाटक कर रहे थे। और अभी ट्राइपॉड नहीं है ना मेरे पास, इसलिए मतलब स्टेबली मैं कहीं पे भी कैमरा जैसे नहीं रख पाती हूँ, तो इसके लिए थोड़ा जुगाड़ लगाया था। तो कैसे जुगाड़ लगा के एक वीडियो बनाए थे हम लोग, वो नेपाली गाना पे था जो ऑलरेडी यूट्यूब शॉर्ट पे है, शॉर्ट वीडियो पे, तो आप देख लीजिएगा। वो वीडियो क्लिप अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखो गाइस मेरा वीडियो बना के, गाइस ये मार खाई है, इसके फ्यूचर हस्बैंड ने इसको गुस्सा मारा है अभी। और ये सब जुगाड़, वीडियो बनाने का जुगाड़, ये सब जुगाड़ पड़ी का वीडियो बनाने में। और इसको देखिए बिचारी मेरे से लात भी खाई है। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ डिनर बनाने, क्या हो गया तो डिनर में अभी ऐसे तो दिन का जो फिश कड़ी वो भी है, तो अभी मैं नहीं बनाती कुछ, पर अभी बनाना पड़ रहा है चिकन बॉयल, मेरे पति देव को खाना है। हाँ ऐसा बात है। और तो मैं जा रही हूँ चिकन बॉयल बनाने, जिसके लिए इधर मैंने पानी चढ़ा दिया है, और मैं पहली बार बना रही हूँ चिकन बॉयल, तो बना लूँगी खा लूँगी, अच्छा लगेगा तो फिर आपको भी मैं अपना रेसिपी शेयर करूँगी, तो अभी मैं दिखाती हूँ। इधर पानी गर्म हो रहा है गाइस, और इधर चिकन को धो लिया है, तो मैं सारा चिकन नहीं बनाऊँगी बॉयल, थोड़ा बनाऊँगी और थोड़ा सा फ्राई करके रख दूँगी। फ्राई करके मैं इसलिए रखूँगी ना क्योंकि चिकन कहीं ख़राब ना हो जाए, और मौसम का कोई भरोसा नहीं, तो रात को हवा तूफान पता नहीं क्या क्या आने लगती है, फिर क्या लाइट चली जाती है तो फिर स्मेल करने लगेगी अगर ऐसे ही मैं फ्रिज में रख दूँ तो इसलिए इसको फ्राई करके फ्रिज में रख दूँगी, तो वो कल तक ख़राब नहीं होगा। इधर हो रहा है गाइस बॉयल मीट, और इधर मैंने फ्राई कर दिया है, मतलब फ्राई कर रही हूँ मैं चिकन बॉयल के साथ, चावल ही अच्छा लगेगा। और यहाँ है ये चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है, और यहाँ देखिए गाइस मैंने इसे ढक दिया, और यहाँ देखिए चिकन बॉयल हो रहा है, कितना सारा तेल छोड़ रहा है, साइड में दिख रहा होगा येलो येलो। और गाइस इधर दिन का मछली भी बचा हुआ है, ये देखिए लास्ट में ये धनिया पत्ता ये वाला डाल दूंगी। तो गाइस खाना बन गया है मेरा, तो अब हम लोग खा लेते हैं, और अब मैं मिलती हूँ आपसे सीधा कल। तो आप सबको गुड नाइट, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।